मेरी कैंडी खत्म हो गई है, मुझे और चाहिए अभी। क्या हो रहा है? मुझे लगता है ये मेरी प्यारी पोती मार्गो है, उसे जो चाहिए मैं उसे दूंगी। ऐसा लगता है किसी को मेरी मदद की जरूरत है। मुझे उठना होगा। मेरी प्यारी बहन मार्गो किसी बात से खुश नहीं है, उसे शांत करने का समय है। यह अगर बड़ी बहन नहीं करेगी तो और कौन करेगा? मैं आ रही हूँ। क्या हुआ? मुझे भूख लगी है। मेरा सुझाव है कि हम चुनौती शुरू करें। दिलचस्प, यह क्या है? मैं चाहती हूँ कि आप लोग मेरे लिए डोनट बनाएं। यह किया जाएगा। यह सबसे डार्क डोनट होगा। मैं अपनी प्यारी पोती के लिए कुछ भी करूँगी। मुझे लगता है एक विशेष उपकरण में डोनट्स बनाना बहुत सुविधाजनक और तेज है। हमें बस वहाँ बैटर डालना होता है। ओह हाँ, मैं भी ऐसा कर सकती हूँ, पर मेरे डोनट्स रंगीन होंगे क्योंकि ऐसा करना बहुत अधिक मजेदार होता है। ओह तुम्हारे आइडियाज बिना। ओह तुम लोग खुद से कुछ करते रहते हो, बेकार। देखो असली डोनट्स कैसा होना चाहिए। वे काले हैं लेकिन वे शायद सबसे स्वादिष्ट हैं। काला रंग लाल के साथ सबसे अच्छे से जाता है, इसलिए मैं अपने डोनट्स पर लाल ग्लेज लगाऊंगी और फिर मैं ऊपर से थोड़ा सफेद जोड़ूंगी, तब यह और भी सुंदर हो जाएगा। थिंग, तुम्हें मेरी मदद करनी होगी। मेरे लिए अभी एक गहरी कटोरी लाओ। मैं उसमें स्ट्रॉबेरी सिरप डालूंगी। हाँ यह ठीक रहेगा। फिर मैं इसे सिरिंज में डालूंगी। किस लिए? अब तुम खुद ही सब देखोगे। दादी क्या आप ट्रिक देखना चाहती हैं? देखिए मेरे पास खून की एक पूरी सिरिंज है। आह किसी बूढ़े आदमी को इस तरह क्यों डराती हो? मुझे लगभग दिल का दौरा पड़ गया था। ओह चलो यह सिर्फ सिरप है, मैं आपकी पोती की खातिर यह कोशिश कर रही हूँ। मैं चाहती हूँ कि वह न केवल स्वादिष्ट बल्कि सुंदर डोनट्स का स्वाद ले। हाँ अगर कोई उन्हें मेरे पास लाता तो मैं पक्का बेहोश हो जाती। अब मैं तुम्हें दिखाऊंगी कि सामान्य डोनट्स कैसे दिखने चाहिए। सबसे पहले उन्हें काला बनाने की बिल्कुल जरूरत नहीं है और सुंदरता के लिए थोड़ा पाउडर चीनी काफी होगा। बस देखो यह कितना सुंदर हो गया। सुंदर तो मेरे डोनट्स हैं, इसे तो बस देखकर ही मन खुश हो जाता है। लेकिन उन्हें और भी मजेदार बनाने के लिए थोड़ा थोड़ा चमकीला स्प्रिंकल्स क्यों ना जोड़े। हालांकि पहले मुझे इस बेकार जार को खोलना होगा। उफ, चलो खुलो। ओह, रेवेका तुमने जार खोला, अब तुम खुद ही चमकीली दिख रही हो। मायने यह रखता है कि डोनट्स तैयार है। मार्गो एक विनर चुनने का समय है। मेंसडे ने अपने ही अंदाज में डोनट्स बनाया है। थोड़ी डरावनी दिख रहे हैं लेकिन वास्तव में बहुत स्वादिष्ट है, और सिरप के साथ सिरिंज एक बढ़िया आइडिया है। दादी अब मैं आपके डोनट्स खाने जा रही हूँ। मैं झूठ नहीं बोलूंगी, ये बस ऐसे ही हैं, बहुत साधारण। ओह लेकिन रेबेका के डोनट्स ज्यादा दिलचस्प लग रहे हैं। मुझे आशा है कि उनका स्वाद भी अच्छा होगा। चलो खाकर देखती हूँ। ये सबसे स्वादिष्ट डोनट्स है जिन्हें मैंने कभी चखा है। बधाई हो बहन, तुम जीत गई। धन्यवाद मार्गो, आई लव यू। वेंसडे, एक बूढ़ी औरत को डराना बंद करो। इस राउंड में सबको मेरे लिए कॉकटेल बनाना होगा, स्वादिष्ट और सुंदर। यह मैं कर सकती हूँ, मुझे कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, मुझे जीतना है, और अगर मुझे जीतना है तो मुझे वैसा कॉकटेल बनाना होगा जो मार्गो को सबसे ज्यादा पसंद हो। जैसे कि मैं टॉक्सिक वेस्ट कैंडीज से शुरुआत कर सकती हूँ, लेकिन मुझे लॉलीपॉप की जरूरत नहीं है, मुझे यह कैंडीज लिक्विड रूप में चाहिए। क्या कहूँ तो मुझे उन्हें पिघलाना होगा। तैयार। यह तैयार हो गया। अब कैंडी स्किटल्स जोड़ने का समय है। इसमें कोई शक नहीं है कि इन कैंडीज को हर कोई पसंद करता है, लेकिन पहले उन्हें रंग के अनुसार अलग करने की जरूरत है ताकि हमारे रंगीन और स्वादिष्ट कप के बीच खूबसूरती से इन्हें रखा जा सके। पहले थोड़ा खा लेती हूँ। और अब यह स्प्राइट का समय है। यह कॉकटेल का आधार होगा, पर अब इसे अपने हाथों से खोलना लगभग असंभव है। मुझे इसके लिए अपने हेयर पिन का उपयोग करना होगा। ओह यह क्या गीला और मीठा। बेचारी रेवेका,
मैं ठीक हूँ, मैंने बस स्प्राइट शावर लिया, लेकिन ये इतना ही नहीं है। व्हिप क्रीम के बिना किस तरह का कॉकटेल, और थोड़ी कैंडी कोई नुकसान नहीं पहुँचाएगी। ताड़ा, मेरा मास्टरपीस तैयार है। तुम कितनी अच्छी प्रतियोगी हो, लेकिन तुम्हारे कॉकटेल बिल्कुल हेल्दी नहीं है, और मार्गो को विटामिन की जरूरत है, इसलिए कॉकटेल जहाँ तक हो सके उपयोगी होना चाहिए। सब्जियों में विटामिन सबसे अधिक होते हैं, तो क्यों ना सिर्फ सब्जी कॉकटेल बनाया जाए। देखो, सारी सब्जियों को एक साथ मिलाकर पीस देना है। बहुत अच्छी खुशबू आ रही है, मुझे यकीन है मार्गो को यह बहुत पसंद आएगा। मुझे शक है, मैं स्ट्रॉबेरी सिरप के साथ अपना कॉकटेल बनाना शुरू करूंगी। मैं उन्हें एक ग्लास में डालूंगी ताकि ये तुरंत और अधिक सुंदर हो जाए। फिर स्प्राइट एक्शन में जाएगा, जिसे मैं हरे सिरप की मदद से थोड़ा सजाऊंगी। थिंग, मुझे फिर से तुम्हारे मदद की जरूरत है, मेरे लिए थोड़ी व्हिप क्रीम चुराओ। किसी दिन मैं इस थिंग को तोड़ दूंगी, ये बहुत डरावना है। हाँ, और उसने मेरी क्रीम चुरा ली। धन्यवाद, तुमने सब ठीक किया, और वे सिर्फ मजाक कर रहे हैं। आखिरकार अब मैं कॉकटेल में क्रीम डालूंगी, और बेशक इसे गमी आइस से भी सजाऊंगी। मेरी राय में बहुत अच्छा तैयार हुआ है। मार्गो, अब बताओ किसका कॉकटेल सबसे स्वादिष्ट है। वेंसडे हमेशा की तरह सबसे ओरिजिनल पिच। तुमने एक बहुत ही स्वादिष्ट कॉकटेल तैयार किया है। गमी कैंडी तो सोने पर सुहागा है, खास करके आग। दादी, क्या आपने फिर से सब्जियों का मिक्सर मेरे लिए तैयार किया है? तुम्हें पता है मैं इसे बर्दाश्त नहीं कर सकती, ये घिनौना है। और मेरी बहन फिर से कुछ कूल लेकर आई है, चलो चक्कर देखिए किसका स्वाद कैसा है। कमाल है रेबेका, तुमने फिर से जीत हासिल कर लिया। अरे चिंता मत करो, किसी दिन तुम भी लकी होगी। इस बार स्वादिष्ट पास्ता के साथ मुझे सरप्राइज करो। मेरे पास कुछ आइडियाज हैं। दादी सो मच, ये खाना पकाने का समय है। पास्ता आसानी से, मेरी पोती के लिए पास्ता बनाने से आसान कुछ भी नहीं है। क्या आप जानते हैं कि मुझे कैसे पता चलेगा कि बर्तन में पानी गर्म है? क्या थिंग मेरी मदद करेगी? इसे कभी भी घर पर ना दोहराएं, क्योंकि इस थिंग को गर्मी बिल्कुल भी महसूस नहीं होती है, हालांकि ये अभी भी उसके लिए अच्छा नहीं है। खरीद कर लाया हुआ पास्ता बोरिंग है, मैं उन्हें खुद क्यों नहीं पकाती? मेरे पास आटा है। अच्छी, हाँ अब सभी के पास आटा है। गुस्सा मत करो दादी, मैंने इसे जानबूझकर नहीं किया है। अब हमें आटा गूंदने की जरूरत है, और इसके लिए हमें आटे में कच्चा अंडा मिलाना होगा, और फिर इसे अच्छे से गूंद लेना है। हाँ, इस तरह से यह तैयार हो गया। अब आधार तैयार है, और आटे को रंग देने का समय है, ताकि नूडल्स रंगीन और चमकदार हो जाए। आगे अब हमें एक विशेष मशीन में आटा रोल करना होगा, और फिर इसे पास्ता की तरह काट लेंगे, तो मेरा रंगीन पास्ता जल्दी तैयार हो जाएगा। यहाँ तक कि स्टोर से खरीदी गई पास्ता को भी प्यार से पकाया जा सकता है, हालांकि भाप के कारण मैं कुछ भी नहीं देख पा रही। रेबेका, क्या मैंने केचप ज्यादा डाल दिया? नहीं दादी, आपने तो इसे अभी तक खोला भी नहीं था। मैं अभी क्या करती रहती हूँ, कितना भयानक है। वेंसडे, देखो आमतौर पर तुम इस तरह का तमाशा पसंद करती हो। रेबेका, नैपकिन के लिए धन्यवाद, मैं पास्ता बनाना जारी रख पाऊंगी, बस मुझे नूडल्स में थोड़ा सॉस डालना ही बचा है। यह स्वादिष्ट लग रहा है दादी, आप बहुत अच्छा कर रही हैं। स्वादिष्ट लेकिन कितना बोरिंग। क्या आप पास्ता को और दिलचस्प बनाना चाहते हैं? हमें उन्हें काला रंग देना होगा। हाँ, इस तरह से। दादी ने मुझे एक दिलचस्प आइडिया दिया है, केचप और आंख के साथ मेरे हिस्से को डरावना क्यों न बनाया जाए। आपको यह आइडिया कैसा लगा? यह बहुत डरावना है, मैं वह नहीं खा पाऊंगी। मेरे रंगीन पास्ता की बात ही कुछ और है, मुझे उम्मीद है कि मार्गो इसे पसंद करेगी। वेंसडे, क्या तुम डराना बंद करोगी? खाना फिर से बहुत दिलचस्प है, लेकिन यहाँ कोई पास्ता नहीं है। दादी, लेकिन आपने केचप के साथ क्लासिक पास्ता बनाया है, यह बहुत स्वादिष्ट है। तुम मेरी प्यारी बच्ची हो। पता नहीं रेबेका फिर से क्या लेकर आई है। मुझे उम्मीद है कि ये पास्ता न केवल सुंदर है, बल्कि स्वादिष्ट भी है। मैंने खास करके तुम्हारे लिए तैयार किया है। रेबेका, तुम फिर से जीत गई हो। हुर्रे, आज मैं लकी हूँ। वेंसडे, मैं लगभग भूल गई, मैं खास करके तुम्हारे लिए हेयर पिन लाई थी, मुझे लगता है तुम पर बहुत अच्छा लगेगा। मैं ऐसी चीजों को नहीं पहनती। इस बार मेरे लिए सीजर सलाद तैयार करो। आसान, मैं सलाद बना सकती हूँ, मैं कोशिश करूँगी।
सीजर सलाद के लिए सबसे जरूरी चीज सलाद के पत्ते और चिकन है। जाहिर है क्रोटॉन्स नहीं छोड़ना है, जो वैसे मेरे लिए खाना बहुत मुश्किल है क्योंकि वे बहुत कड़े हैं। और अधिक चीज क्यों नहीं ग्रेट करके मिलाए? मुझे पता है कि मार्गो उसे पसंद करती है। मैं मार्गो के लिए एक हरा भरा ट्रीट बनाऊंगी। यह सीजर नहीं होगा, लेकिन मुझे लगता है वह लंबे तनों पर मेरे खाने वाले फूल को पसंद करेगी। वेंसडे, देखो कितना अच्छा आइडिया है। कुछ भी अच्छा नहीं है, यहाँ मेरा आइडिया है और वास्तव में अच्छा है। मैं शिमला मिर्च में सलाद बनाऊंगी। मैं वहाँ सभी सामग्रियों को रख दूंगी। खीरे से जीभ बनाना तो बिल्कुल सही रहेगा और मैं ऑलिव से आंखें बनाऊंगी। देखो मैंने कितना प्यारा मेढक तैयार किया है। आइए देखें कि आपने इस बार क्या तैयार किया है। रेबिका, तुम वास्तव में कुछ अच्छा लेकर आई हो, लेकिन इसका स्वाद सामान्य साधारण सब्जियों की तरह ही है, पर मैंने काफी मेहनत की है। यहाँ दादी स्वादिष्ट सीजर सलाद बनाना जानती है, और आज कोई अपवाद नहीं है, ये बहुत स्वादिष्ट है। वेंसडे, क्या ये ऑलिव्स है? मुझे ये बिल्कुल पसंद नहीं है। दादी, आपकी जीत पर बधाई। आखिरकार, मैं कब से इसका इंतजार कर रही थी। ये मुझे कुछ खिलाओ। बहुत बढ़िया, चलो कुकीज से शुरू करते हैं। इजी पीजी। ठीक है बेटा, मैं कुछ भी वादा नहीं कर सकती, लेकिन मैं कोशिश करूंगी। ये बनाते कैसे हैं? ये सर्किट किस लिए है? इसकी जरूरत नहीं है। यह हुई ना बात। बेटा, इस आटे ने तुम्हारा क्या बिगाड़ा है? देखो यहाँ, यह कैसे करते हैं। आराम से इसे बेलो, फिर इस कटर से कुकी काटो और बेकिंग शीट पर लगाओ। ओवन में ये डालो और अब कुकीज का इंतजार करो। मुझसे ये नहीं होगा। ओह आइडिया, कुकीज गोल होते हैं, है ना? तो बस आटा से एक सर्कल काट सकते हैं और हो गया। और सबसे महत्वपूर्ण चीज है स्किटल्स। मुझे खुद ऐसी कुकीज खाने में कोई दिक्कत नहीं होगी। तुमने अच्छा काम किया बेटा। और मेरी कुकीज कैसी है? हमेशा की तरह एकदम कमाल के। मुझे कुछ कहना ही नहीं है, ये रहे मेरे कुकीज। ये एक असली मास्टरपीस है। दिखाई दे रहा है कि एक मास्टर ने ये बनाया है। जरा देखो कि मैंने कितना शानदार जिंजर ब्रेड हाउस बनाया है। वैसे आइडिया के लिए धन्यवाद। मैं छत को स्किटल से सजाऊंगी। और आखिरी टच, पाउडर शुगर। और मेरा घर अब स्नो से ढक गया है। मुझे अपनी आंखों पर विश्वास नहीं हो रहा है। बेटा, तुम्हारे कुकीज। ओह ओह, अरे यहाँ तो आग लग गई है। मुझे तुरंत कुकी निकालना होगा। शायद इसे अभी भी बचाया जा सकता है। आउच, ओ नहीं, अब इसका कुछ नहीं होगा। ये कुकी, मुझे नहीं लगता कि इसे खा सकते हैं। खैर ठीक है, हमारे पास और यहाँ क्या है? वाह वाह, जिंजर ब्रेड हाउस कितना सुंदर है और इतना स्वादिष्ट। मुझे ये बहुत पसंद आया। मुझे लगता है घर जीत गया है। हाँ, मुझे पता था यही होगा, मैं एक प्रोफेशनल हूँ। और अब मुझे एक बर्गर चाहिए और जल्दी से। मैं यह कर सकती हूँ, हालांकि शायद नहीं। क्या यह पिसा हुआ मीट है? मुझे पता है, इस मीट के बदले मैं एक स्वादिष्ट सा चॉकलेट पेस्ट का इस्तेमाल कर सकती हूँ। हाँ, यह बहुत बढ़िया निकला। अच्छा है, दूसरा कैसे कर रहे हैं? कितने ताजे बंस, लेकिन इसे सेकने की जरूरत है। एक अच्छा क्रिस्प एकदम सही होगा। अच्छे क्रिस्प के बारे में आप क्या जानती हो दादी? एक दो और बर्गर लगभग तैयार है। अच्छा, लेकिन बर्गर में सबसे महत्वपूर्ण चीज रसदार कटलेट होता है। मैं यह कीमा लूंगी, धन्यवाद। और अब इससे कटलेट बनाकर इसे पैन में डालना होगा और थोड़ा इंतजार करना होगा। बेटा, तुम क्या कर रही हो? शांत हो जाओ दादी, यहाँ सब कुछ कंट्रोल में है। मैंने सिर्फ मार्शमेलो को भूनने और अपने बर्गर में जोड़ने का फैसला किया है। और अब गमी की बारी है। ऊपर से यह जाएगा और इसे जोर से दबाना होगा। यह थी मेरी रेसिपी, कैसा लगा? यह लड़ाई हो भी क्यों रही है? अगर इस बार भी सबसे स्वादिष्ट बर्गर मैं बनाऊंगी। जरा इन कटलेट को देखो, मैं बैकन भी डालूंगी। बहुत ज्यादा मीट तो कभी नहीं होता है।
और अब बस सब्जियों और चीज के लेयर्स को लगाना है। मुझे लगता है कि यह लेयर बहुत बोरिंग है, लेकिन अगर बहुत सारे लेयर्स लगाते हैं तो ये एकदम सही रहेगा। हाँ, मैं ही जीतूंगी। देखो यह कितना अच्छा लग रहा है। हाँ, ओह नहीं, मैं हारने वाली नहीं हूँ। ध्यान से सारे इंग्रेडिएंट्स लगाती हूँ और अब सॉस। इसमें कंजूसी करने की कोई जरूरत नहीं है, हम दिल से डालते हैं। देखो कितना अच्छा बर्गर बना है। थोड़ा और मुझे गोल्डन क्रिस्प बन मिल जाएगा। ओह माय गॉड, मुझे ठीक नहीं लग रहा है। चलो दादी, देखो मैंने कितना अच्छा किया है। ताड़ा। ओ वाह, ये साइज देखो, एक 3-स्टोरी बर्गर। मैंने ये पहले कभी नहीं देखा है। ये कितना स्वादिष्ट है, एकदम कमाल का। अब तुम मेरे दोस्त। ओह, सब कुछ अलग हो गया। खैर ठीक है, क्योंकि एक और बर्गर है। ये बहुत स्वादिष्ट लग रहा है, चलो खाकर देखती हूँ। गमी और न्यूट्रेला, बढ़िया। लेकिन शेफ का बर्गर जीतता है, मुबारक हो। तुम्हें पता है ये अब सही नहीं है। तुम बहुत अच्छा कर रहे हो। और अब मैं नगेट्स खाना चाहती हूँ। हाँ ये आसान है। दादी उठो, देखो जेनिफर नगेट्स खाना चाहती है। ओ बिल्कुल, सबसे पहले पैन में थोड़ा सा तेल डालना होगा। ओ दादी, क्या आप मेरे साथ तेल शेयर करेंगी? धन्यवाद। अजीब है, ये निकल क्यों नहीं रहा है? शायद थोड़ा जोर से करना होगा। ओह, मैंने फिर से गड़बड़ कर दिया। मुख्य बात है कि यह स्वादिष्ट होना चाहिए, और इसे हमेशा स्वादिष्ट बनाने के लिए मैं प्यार से खाना बनाती हूँ। चिकन को काटना होगा और अब एक अंडे को तोड़कर इसमें चिकन के टुकड़े डुबोने होंगे और फिर इन्हें ब्रेड क्रम्ब से ढकना होगा। बढ़िया, अब मैं इसे फ्राई कर सकती हूँ। बहुत स्वादिष्ट दिख रहा है। और क्या खुशबू है। क्या तुम इसे खाना नहीं चाहती शेफ? बिल्कुल नहीं, मुझे वो नहीं खाना है। मेरे नगेट्स एकदम हाई क्लास होंगे, सोने के टुकड़ों की तरह दिखेंगे। और हाँ, प्रेजेंटेशन भी एक कला है, ये शानदार होना चाहिए। मुझे पता है, जब खाना पकाने का मन ना हो तो रेडीमेड ले सकते हैं। मैं नगेट्स को चीज में लपेटूंगी और फिर मैं चीटोस से सबसे स्वादिष्ट ब्रेड क्रम्ब बनाऊंगी। इसके लिए मैं इस पैक को अच्छे से कूट दूंगी। बेटा आराम से, इतना नहीं। ओह, लगता है यह काम कर गया है, देखती हूँ। हाँ बढ़िया, अब नगेट्स को चीटोस में कवर करके पैन में डालना है। मैं पहले से ही जानती हूँ ये बहुत स्वादिष्ट होगा। मैं इसे जेनिफर को देना भी नहीं चाहती। ओह, मैं लगभग भूल गई, केचप के बिना नगेट्स कैसे खा सकते हैं? हाँ अब यह एकदम सही है। ओह माय गॉड, यह कितना अच्छा लग रहा है। क्या ये सुनहरी नगेट्स है? इसका स्वाद काफी साधारण है। ठीक है, मैं अगला वाला चक्कर देखती हूँ। हाँ मुझे ये बहुत पसंद आया, लेकिन अभी भी कुछ बाकी है। लाल, बढ़िया है। इसमें चीज भी है, यह पक्का विजेता है। हुर्रे, मैं जीत गई। क्या आपने देखा? आपने देखा, मैं जीत गई। ये क्या, तुम सब पिज्जा बना सकते हो? मुझे यह खाना है। हाँ बिल्कुल, मुझे भी खाना है। पिज्जा, मैं यह बना सकती हूँ। यहाँ टमाटर का पेस्ट चाहिए, इसे एक टुकड़े पर थोड़ा डालना है और धीरे से इसे चम्मच से फैलाना है। और अब चीज, जितना ज्यादा चीज उतना ज्यादा स्वादिष्ट, और बेशक पेपरोनी भी। मैं आपको डिस्ट्रैक्ट करना नहीं चाहती, लेकिन देखो मैं एक शेफ हूँ। फ्लाइंग आटा, आउच, ये उड़ा नहीं। परेशान मत हो बेटा, यहाँ ये लो, ये नया टुकड़ा लो। धन्यवाद दादी। ओह मुझे पता है, कोई बोरिंग टमाटर का पेस्ट नहीं, बस मार्शमेलो पेस्ट। मैं पूरा चम्मच भर कर स्कूप लूंगी ऐसे, और इसे पिज्जा पर लगाती हूँ। और हाँ, स्किटल्स तो मैं नहीं भूल सकती। स्किटल्स तो हर किसी को पसंद होते हैं,
इसके साथ सब कुछ स्वादिष्ट और ज्यादा रंगीन हो जाता है। चलो ये लगभग तैयार है। हाँ मैं देख सकती हूँ कि प्रोफेशनल्स ने नहीं बनाया है। मेरा पिज्जा बहुत अनोखा होगा, कोई बोरिंग सफेद बेस नहीं। मैं इसे और ज्यादा शानदार बनाने के लिए इसे रंगूंगी। ओ जरा देखो वह क्या कर रही है। मैं और भी कर सकती हूँ। अब आटे को रोल करती हूँ। पिज्जा पर एक विशेष टमाटर सॉस लगाऊंगी, फिर पिज्जा उतना ही स्वादिष्ट होगा जितना कि बड़े बड़े इटालियन रेस्टोरेंट में होते हैं। मैं ऊपर थोड़ा चीज डालूंगी, बहुत बढ़िया। और अब यह प्रॉन डालने का समय है। प्रॉन को अकेला नहीं छोड़ना चाहिए और इसलिए मैं इस पर मसल्स भी जोड़ूंगी। मेरा शानदार डिश तैयार है। मैं इसकी तारीफ सुनने के लिए तैयार हूँ। खैर यह लगभग हो गया है, बस इसे बेक करना बाकी है। ओह कितना टाइम लग रहा है, मुझे नींद आ रही है। ओह क्या हो गया? अरे आखिरकार हमारे पिज्जा तैयार है। मैं तैयार हूँ। बहुत स्वादिष्ट खुशबू आ रही है। अच्छा ही लग रहा है। तो देखती हूँ सबने क्या बनाया है। कितना दिलचस्प लग रहा है। ओह यह क्या है? क्या ये मसल्स है? और ये प्रॉन भी है, मैं ये चखना भी नहीं चाहती। पर यह और भी दिलचस्प लग रहा है। क्या ये स्किटल्स है? दिखने में तो अच्छा है पर स्वाद ठीक ठाक है। ओह लेकिन यह पिज्जा एकदम नॉर्मल दिख रहा है और इसकी महक क्या कमाल का स्वाद है। हाँ इसे कहते हैं पिज्जा। आप जीतते हो, बधाई हो दादी। धन्यवाद, मैं बहुत खुश हूँ, मैं जीत गई। मेरा पिज्जा बेहतर था। तो दोस्तों आपको कौन सी डिश सबसे ज्यादा पसंद आई? हमारे आज की रंगीन और स्वादिष्ट कुकिंग चुनौती से हमें बताएं। और जल्द ही मिलते हैं बारादा पर।